हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल आर्ट एंड क्राफ्ट डिस्कस। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से हम वेस्ट कंटेनर का यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, मेरे पास ये वेस्ट कंटेनर था, तो मैंने इसको सोचा कि इसको कुछ हम लोग क्राफ्ट में बनाते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए एक कंटेनर, लेस डेकोरेशन के लिए, और ये चाहिए हमें जूट का क्लोथ चाहिए जो कि हम इसको कवर करने के लिए यूज़ करेंगे। इसी से हम फ्लावर भी बनाएंगे, और फेविकोल। अगर आपके पास ग्लूगन है तो बहुत अच्छा है, आप ग्लूगन का ही यूज़ करिएगा, बट जिसके पास नहीं है वो फेविकोल से भी इसको बना सकता है। सीजर, पेंसिल, ये आपको चाहिए होंगे इतने सामान। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कि हम किस तरह से इसको बना सकते हैं। इस तरह से फोल्ड करके, इसके ऊपर करके, इस तरह से करके, देखिए लास्ट जहाँ पे भी आ रहा है आप देख सकते हैं, यहाँ पे आ रहा है, तो आप यहाँ से इसको कट कर लेंगे। इस तरह से पेंसिल से आप ड्रॉ कर लीजिएगा, देन इसको कट कर लीजिएगा इसके अकॉर्डिंग। ये देखिए, मैंने यहाँ पे अभी ये हमारा इस तरह से लेके आते हैं। अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इस पर फेविकोल लगाना है कंटेनर पे। लगा दीजिएगा, इस तरह से हमें फोल्ड करते जाना है। आपके पास ग्लू गन हो तो आप ग्लू गन का ही यूज करिएगा, फेविकोल का नहीं। देखिए लास्ट में यहाँ पे हमें इसको पेस्ट कर देना है फेविकोल की हेल्प से। इसको फोल्ड कर दिया है, ये कवर हो चुका है। अभी हमें बैक साइड पे, यहाँ बैक साइड में मैंने कट कर दिया था, अभी यहाँ पे पेस्ट करेंगे इसके बराबर का ही। एक कंटेनर को रख के इसी के बराबर का सर्कल हम कट करेंगे, देन इसको पेस्ट करेंगे। देख सकते हैं मैंने इस तरह से लिया है, और इस तरह से मैंने पेंसिल की हेल्प से सर्कल ड्रॉ कर लिया है ताकि आपका सर्कल बिल्कुल परफेक्टली निकले। अभी मैं इसे कट कर लूंगी। देखिए सर्कल निकल बन चुका है, अभी हमारा सर्कल बन चुका है। अभी हमको क्या करना है कि इस तरह से कंटेनर को लेना है, बैक साइड में हमने सर्कल बनाया है उसको यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। अभी हमें क्या करना है, अगर हमें एक फ्लावर ड्रॉ कर लेना है। अब जिस भी शेप का फ्लावर चाह रहे हो उस तरीके की शेप का फ्लावर इस तरह से आप फ्लावर को ड्रॉ कर लेंगे। अगर आपको पेन से करना है तो आप पेन से भी कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट कर सकती हूँ बट मैं बिगनर्स के लिए बता रही हूँ, तो उन्हें चाहिए कि वो पहले ड्रॉ कर ले फ्लावर तभी वो कट करे, वरना गलत भी हो सकता है कि कटिंग गलत हो जाए आपकी, तो इसलिए ड्रॉ कर लें। इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए। अभी ये मेरा कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हैं
इसके लिए हमें क्या करना है, इसके बाद इस तरह से आप वाइट लेस लगाइएगा। वाइट लेस ज़्यादा अच्छी लगती है, बट मेरे पास थी नहीं, मेरे पास ये थे दुपट्टे का था, मेरे तो वेस्ट दुपट्टा था, तो मैंने उसमें से निकाल। आप प्रेस करते जाएंगे, अभी हमें नीचे भी लेस लगानी है इस तरह से। छोटा फ्लावर, ये सबसे छोटा फ्लावर को ड्रॉ करके कट कर लिया था, और मेरे पास ये वेस्ट पड़ा हुआ था फ्लावर, तो मैं इसको सेंटर में यूज़ करूँगी। आपके पास बहुत सारी चीज़ें बैंगल्स में और काफ़ी स्टोन्स रहते हैं जो कि वेस्ट चले जाते हैं, तो आप वेस्ट समझ के इसको फेंकिए नहीं, आप उसका यूज़ कर सकते हैं, उनको संभाल के रखिए। अभी इसको हमें क्या करना है कि एक दूसरे के ऊपर पेस्ट कर देना है। अभी ये ड्राई हो चुका है, अभी सेंटर में हमें क्या करना है, इस साइड में हमें इसमें अभी कोल लगाना है अच्छे से, और यहाँ पे आपको अभी कोल लगाना है साइड में। ये जब फ्रेंड्स ड्राई हो जाए तभी आप इसमें ऐड करिएगा। अभी ये ड्राई हो चुका है, इसको यहाँ पे सेंटर में इस तरह से पेस्ट कर दे रही हूँ। आप देखिए इसका कंप्लीट लुक है, आप जो भी चाहे इसमें रख सकते हैं, आप जैसे भी चाहे इसका यूज कर सकते हैं। मैंने मनी प्लांट रखा है तरह से, आप वेस्ट मटेरियल को यूज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।